对。 वन नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो दिन है आज ट्वेंटी सिक्स नवम्बर मंगलवार का दिन है सुबह के अभी पाँच बज के दस मिनट का टाइम हो रहा है और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज बिल्कुल टाइम से मैं उठी हूँ क्योंकि आज है ना एक मतलब फर्स्ट वाला जो मैं अलार्म बजता है ना जब मैं बंद करके सो जाती हूँ तो आज है न एक अलार्म में ही मेरी नींद खुल गई थी और जैसे ही नींद खुली तो मैं जल्दी से मतलब उठ गई थी दो तीन मिनट में बिस्तर में बैठी फिर उसके बाद में मैंने ज़्यादा आलस नहीं करा क्योंकि मुझे पता अगर एक बार ये सोच लो ना कि पाँच मिनट में उठ जाएंगे दस मिनट में उठ जाएंगे तो फिर लेट होता ही होता है तो कल मेरे साथ में हुआ था तो इसलिए आज मैं टाइम से उठी और उठते से ही सबसे पहले बच्चों को मैंने आवाज़ दे दी फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और आजकल जैसे कि मौसम ठंडा है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो फिर सर्दियों में ना गर्म पानी पीना अच्छा लगता है और आज जल्दी उठी थी तो फिर मैंने इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया और सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं ना शेयर कर लेती हूँ कि अभी जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो सर्दियों के हिसाब से ना जो रूटीन है ना वो भी मैंने अपनी थोड़ी बहुत बदल दी है तो इतने दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो गर्मियों में चाह भी ना एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता था करती भी थी लेकिन पाँच सात मिनट इससे ज़्यादा नहीं लेकिन अभी जैसे सर्दी आना तो सर्दियों में अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना तो बीच में जैसे मैंने बोला था और आप लोगों में से किसी ने मुझे कॉमेंट भी किया था कि श्रद्धा तुम्हारा पेट जो है वो बढ़ गया है और खैर ये मुझे भी पता था और मैंने आपको बोला भी था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ और काम मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई डाइटिंग स्टार्ट कर दी है या कोई मैं कोई दवाई वगैरह ले रही हूँ उसके लिए तो इन सब में मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ मैं जो नेचुरल जो वे होते हैं ना उनसे ही अपना वेट जो है वो थोड़ा बहुत कम करती हूँ तो अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो फिर मैं जो पेट के लिए स्पेशल अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे ना ये वाली एक्सरसाइज जो है वो मैं करती हूँ और ये पता है मैं कई सालों से करती थी शादी से पहले भी मैं करती थी और शादी के बाद में कुछ टाइम मैंने बंद कर दी थी लेकिन जब मेरी ये डिलीवरी हुई थी ना तो डिलीवरी के बाद में से हुए थे बच्चे तो फिर मतलब दो तीन चार महीने तक तो मैंने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करी लेकिन उसके बाद में फिर मैंने पेट के लिए स्पेशल ये दो तीन एक्सरसाइज थी ना वो करी थी और ये मैं ना रूटीन में करती थी तो स्टार्टिंग जो होती है वो चार पाँच छः मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे आप अपना बढ़ा भी सकते हो तो ये दो तीन एक्सरसाइज थी और इसी से ही मैंने अपना पेट जो था वो कम किया था तो अभी बस मैंने पंद्रह पंद्रह या बीस मिनट हाँ इतनी देर एक्सरसाइज करी थी और फिर उसके बाद में आ, अब इसके बाद में लग जाएंगे मॉर्निंग के जो हमारे काम होते हैं क्योंकि अगर अब मैं लेट करूँगी तो फिर आगे से आगे मतलब सब चीज़ों में लेट हो जाएगा बच्चों को उठाना करना सब कुछ अब यहाँ पे मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ सात बजे बीच का जो एक घंटे का टाइम था ना एक या सवा घंटे का वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बच्चों को उठाना फिर उनके लिए मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया था बहुत सारी चीज़ें थी तो वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया अब यहाँ पर क्या हुआ मॉर्निंग में जब मैंने एक्सरसाइज करी थी तो तब तक तो ना मतलब जब आप एक्सरसाइज कर दो ना वर्कआउट तो बॉडी में ना एकदम तो गर्मी से आ जाती है तो ठंड का एहसास नहीं हुआ फिर उसके बाद में अभी जैसे ही बच्चे स्कूल गए और उसके बाद में मैंने ना विंडो खोली थी किचन की विंडो भी खोली हॉल की विंडो वगैरह खोल दी तो जैसे आप विंडो खोलते हो ना तो फिर बाहर की एकदम ठंडी सी हवा अंदर आती है तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगने लग गई तो फिर मैंने सोचा कि ना ये जैकेट मंगाया है तो क्यों ना इस जैकेट को पहन लिया जाए तो यहाँ पर बस मैंने जैकेट पहना और उसके बाद में मैंने शॉक्स भी पहन लिए और शॉक्स पहनने के बाद में मैं गई थी सीधे जो घर के ये स्लीपर होते हैं ना वो देखने के लिए तो जनरली तो आपने देखा होगा मैं कभी भी घर के अंदर जूते वगैरह नहीं पहनती और सीरियसली पहनती नहीं हूँ मेरी आदत ही नहीं है लेकिन है ना जब ये सर्दियाँ होती हैं ना तो सर्दियों में जो ये एड़ी वगैरह होती है ना इनको ये फटने के बहुत चांसेस हो जाते हैं तो खैर यहाँ तो इतनी गर्मी सॉरी सर्दी पड़ती नहीं है लेकिन फिर भी अगर टाइम से ध्यान रखो ना तो फिर एड़ियाँ बिल्कुल नहीं फटती और टच वुड मुझे ऐसी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है आज दिन तक का रिकॉर्ड है कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी एड़ियों में कभी क्रैक्स आए हो या फिर फटे हो ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और उसके लिए थोड़ा बहुत मैं ध्यान रख लेती हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग में मतलब जब तक काम करती हूँ ना तब तक मैं शॉक्स पहनती हूँ और रात को सोने से पहले पैरों पर कोई मतलब जो भी लोशन होता है ना वो जरूर लगाती हूँ तो उससे क्या होता है कि किड़ियाँ जो है ना वो फटती नहीं है तो जूते जो थे वो मतलब मुझे मिले ही नहीं और वो मिले इसलिए नहीं थे मुझे क्योंकि मतलब मैंने बहुत देर तक तो ढूंढा लेकिन फिर मुझे याद आया कि भाई दिवाली के टाइम पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी टाइम से काम नहीं आ रही थी ना तो उसको मैंने डिस्कार्ट कर दी थी तो वो जो जूते थे वो मैं ना चार पाँच साल पहले लेकर आई थी और फिर न व वो ना पूरा उसके ऊपर है ना वेलवेट फर वगैरह बना हुआ था तो वो वॉश करते करते ना ख़राब हो गया था तो मैंने ना अभी दे दिए थे मेरी जो हाउस हेल्पर है ना उसको तो मैं भूल गई थी तो फिर एकदम से मुझे याद भी आ गया था अब उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन में तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने रखी है चाय क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी और जैन साहब तो खैर अभी सो रहे हैं तो चाय तो मैं अकेली ही पीने पीने वाली हूँ अभी और बच्चों के टिफिन में आज मैंने बनाए थे ये मुरमुरे के पोहे बच्चों को बड़े पसंद आते हैं और आजकल दो तीन दिन से ना परी के पसंद की ही मैं चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि वो दो तीन दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो उसने अच्छे से खाना नहीं खाया तो बहुत उसको वीकनेस ही लग रही है तो इसीलिए ना जब बच्चों को ऐसा लगता है ना कि बीमार हैं या फिर आ, खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं तो फिर मैं दो तीन दिन तक उनकी पसंद की चीज़ बनाती हूँ तो कल मैंने पास्ता बनाया था आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज मैंने उसके लिए मुरमुरे के पोहे बनाए और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी है तो मुझे पक्का पता है कोई ना कोई कमेंट आएगा कि जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना उनको तो पता है क्योंकि मैंने कई बार रेसिपी शेयर की हुई है लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं रेसिपी ना डिटेल में बताती नहीं हूँ तो मुरमुरे के पोहे बहुत ही आसान होता है बनाना बिल्कुल पोहे के जैसे ही बनते हैं और लगते बहुत ही टेस्टी है और यहाँ बातों बातों बातो में मेरी बन गई थी चाय तो भी आराम से बैठ के सुकून वाली चाय पीने वाली हूँ पाँच दस पंद्रह मिनट बैठूँगी मोबाइल वगैरह देखूँगी आप लोगों के कॉमेंट्स जो है वो भी पढ़ूँगी और आज चाय मैं ये बच्चों के रूम में आके बैठ के पीने वाली हूँ और इस रूम में पता है बैठने का एक रीज़न है क्योंकि इस रूम को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है मतलब बच्चे जैसे ही गए थे ना तो उनके जाने के तुरंत बाद में ही मैंने इस रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था तो सुबह सुबह आप जब बैठते हो चाय नाश्ता करने के लिए और एकदम साफ़ सुथरी जगह पे बैठते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है बहुत ही रिलैक्स फील होता है तो यहाँ पर बस बैठ के मैं आराम से पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद लगेंगे काम पे तो चाय पीने के बाद में सीधे मैं लग गई थी काम पर और क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे मतलब पाँच दस मिनट या पंद्रह मिनट शायद मैं बैठ गई थी क्योंकि एक बार पता है मोबाइल लेके बैठ जाओ ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है तो पहले मैंने आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़े और उसके बाद में मैं इंस्टाग्राम पर कुछ रील वगैरह देखने लग गई थी तो पंद्रह मिनट मुझे लग गए थे लेकिन हाँ उसके बाद में फिर मैंने मोबाइल को साइड में रख ही दिया और फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ काम पर तो आज मुझे एक तो ना आटा चक्की चलानी है क्योंकि आटा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है थोड़ा ही बहुत है मतलब अभी मॉर्निंग में चल जाएगा उतना ही पड़ा हुआ है और ये डिब्बे के अंदर जो गेहूँ है ना ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थोड़े से ही पड़े हैं मैं बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया था बीच में डी गई थी लेकिन बिल्कुल माइंड से ना निकल गया कि गेहूँ जो है वो ख़त्म हो गए हार्डली भी चार या पाँच किलो गेहूँ ही है जबकि मैं घर पर जब चक्की चालू करती हूँ तो करीबन दस बारह किलो आटा एक साथ में पीसती ही पीसती हूँ लेकिन अभी देखा तो गेहूँ कम थे तो कोई बात नहीं अभी मुझे ना जाना ही पड़ेगा आज देखती हूँ आज दिन या शाम तक तो मुझे डी से गेहूँ तो लेके कर आने ही पड़ेंगे लेकिन हाँ आटा चक्की तो मुझे अभी चलानी पड़ेगी जितने गेहूं है उतने तो मैं पीसी ही लूँगी और फिर यहाँ पर मैंने गेहूं खाली किया डिब्बा हटाया तो देखा तो पीछे ना इतने सारे जाले वगैरह आ गए थे और इतना पता है देख के मुझे गु़स्सा लगता है अभी दिवाली के टाइम पर ही मैंने सारे ही कैबिनेट को पूरा खाली करके इतने अच्छे अच्छे से साफ़ किया था लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी आती है और जाले जालों से तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ इतनी मकड़ियाँ वगैरह दिखती है ना तो बहुत गंदा लगता है मुझे तो फिर मैंने मतलब ये जब खाली किया ही था डिब्बा हटाया था तो सोचा पूरा ही ये कैबिनेट जो उसको साफ़ कर देती हूँ तो बस दोनों डब्बे वगैरह निकाल के आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से अच्छे से मैंने साफ किया और उसके बाद में जो गेहूँ है उनको मैं साफ़ करूँगी और फिर आटा चक्की चलाऊंगी और उसके बाद में करूँगी दूसरे काम तो गेहूँ मैंने निकाल तो दिए हैं लेकिन अभी आटा चक्की नहीं चलाऊंगी चलाऊंगी मैं करीबन आधे पौन घंटे बाद में और खैर मुझे कल याद नहीं रहा कल रात को ही मैं मुझे ना गेहूँ निकाल के रख देने चाहिए थे तो जब भी डब्बे में से गेहूँ निकालती हूँ ना तो तुरंत नहीं पीसती हूँ क्योंकि उन डब्बों के अंदर मैं गेहूँ ख़राब ना हो तो उसके लिए मैं ना इंजेक्शन रखती हूँ तो उससे ना गेहूँ ख़राब नहीं होते तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो सारे ही गेहूँ के अंदर होती है तो मैं तुरंत पीसती नहीं हूँ उसको मतलब एक दिन पहले निकाल के रख देती हूँ या फिर घंटे दो घंटे पहले निकाल के रख देती हूँ ताकि उसकी जितनी भी वो स्मेल वगैरह ना वो सारी की सारी उड़ जाए लेकिन अभी तो मेरे पास में टाइम था ही नहीं ज्यादा लेकिन हाँ फिर भी मैंने करीबन एक घंटे तो गेहूँ को रखा था और उसके बाद में छान के फिर मैंने आटा चक्की चलाई थी और तब तक ये सारे के सारे कपड़े जो है मैं फोल्ड कर रही हूँ तो जो इससे प्रीवियस व्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको बताया था ढेर सारे कपड़े जो थे वो मैंने धोए थे बहुत सारे मैंने मशीन में भी डाले थे और हाथ से धोने के कपड़े भी बहुत इकट्ठे हो गए थे तो जो मेरी साड़ियाँ वगैरह थी वो तो मैंने बाहर बालकनी में सुखा दी थी और फिर साड़ी सुखाने के बाद में तो जगह ही नहीं बचती है तो फिर बाकी के जो कपड़े थे ना बच्चों के इनके ये सारे मैंने रात को ये जो कपड़े का स्टैंड है ना इसके ऊपर डाला था तो पूरी रात यहाँ पे पंखा चालू था तो सारे के सारे कपड़े सूख गए थे तो आ, वैसे कपड़े फोल्ड करने का काम मैं सुबह सुबह नहीं करती हूँ वो मैं ना दिन को करती हूँ लेकिन अभी मुझे ना आटा चक्की चालू करनी थी लेकिन अभी मैं डायरेक्ट तो कर नहीं सकती थी मेरे पास टाइम था तो मैंने इन कपड़ों का काम जो है वो हाथों हाथ निपटा ही देते हैं और कपड़े भी खैर बहुत सारे थे मुझे पूरा आधा घंटा लगा था कपड़ा सारे कपड़ों को फोल्ड करने में और उसके बाद में उसको अरेंज करने में और अब मैं आ गई हूँ गेहूं लेकर तो सबसे पहले इन गेहूं को साफ़ करूंगी और ये वाले जो गेहूं है ना ये मैं समर वेकेशन में लेकर आई थी आप लोग को पता होगा जब ये बारिश स्टार्ट हुई थी ना तो बारिश स्टार्ट होने के पहले ही मैं करीबन एक क्विंटल गेहूं जो है वो स्टोर करके रख देती हूँ बारिश के टाइम पे गेहूँ परचेज नहीं करती हूँ तो वो ये ना वही वाले गेहूँ हैं तो अब इतने टाइम हो गया तीन चार महीने हो गए तब तो ये गेहूँ ख़त्म हो ही गए हैं तो अभी जितने हैं उतने तो मुझे चक्की चलानी ही पड़ेगी आज जाऊँगी डी मार्ट तो गेहूँ भी लेकर आऊँगी और देखती हूँ कि चने की दाल वगैरह अच्छी हो तो वो भी लेकर आऊँगी इस बार मैंने अपने जो ये आटा चक्की की जगह है ना उसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है पहले मैं बिल्कुल विंडो के चिपका के और फिर इसको रखती थी आटा चक्की को और फिर पता होता क्या था जब मैं चक्की चालू करती थी ना तो चक्की के दोनों ही साइड में आ, वो लगा हुआ है एक जाली लगी हुई दोनों तरफ तो जो चक्की आ, चालू करते हैं ना तो उसकी जो हीट होती है ना वो जाली के थ्रू बाहर निकलती है और हीट बाहर निकलती है गर्म हीट जो होती है ना वो बाहर निकलती है और साथ में ना बारीक बारीक आटा जो होता है ना वो भी बाहर निकलता है तो उसकी वजह से ना पूरी विंडो इस बार जब मैंने दिवाली के टाइम पर विंडो साफ़ करी थी ना तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी तो पूरी ही विंडो के ऊपर है ना आटा आटा चिपक जाता है तो इसीलिए इस बार मैंने क्या करा जो कूलर का बॉक्स था ना कूलर के बॉक्स को मैंने विंडो के पास में रख दिया था और आटा चक्की को मैंने वो वाले साइड में रखा है ताकि आटा जो है ना वो उड़ेगा तो कूलर के बॉक्स पर ही आएगा बॉक्स तो बहुत ही ईजिली साफ़ हो जाता है तो आटा चक्की चलाने के बाद मैं फिर में फिर मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि जेंट साहब उड़ गए थे उन्होंने मतलब वो भी आजकल चाय वाय चाय दूध कुछ नहीं पीते मैं उनको डायरेक्ट लड्डू ही देती हूँ खाने के लिए और फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आज उनको ना बाहर जाना है कहीं डोंबी वाली तो खाना फटाफट बना दे तो फिर मैं ना सारे काम को छोड़कर और फिर नहाने के लिए चली गई थी आज मुझे बाल वगैरह भी धोने थे और उसके बाद मैं अब मैं सीधे जाऊँगी किचन में खाना बनाऊँगी और उसके पहले ये बालकनी में साड़ी वगैरह सूख रही थी ना तो मैंने सोचा इन साड़ियों को ना फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि पूरी ही ना बालकनी में ये साड़ियाँ सूख रही थी ना तो उसकी वजह से पूरे कमरे के अंदर अंधेरा सा हो रहा था तो यहाँ पर बस मैंने आ, बाल जो थे वो खोल दिए थे क्योंकि गिले गिले बाल थे ज़्यादा देर मैं बांध के नहीं रखती हूँ ज़्यादा देर बांध के रखो ना तो फिर हेयर फॉल होता है और फिर मैंने बनाना क्लिप लगा दिया था और अब ये जो साड़ियाँ वगैरह थी साड़ी था पेटीकोट थे तो कुछ चीज़ें थी तो इनको मैंने सोचा कि हाथों हाथ अपनी जगह पर रख ही देती हूँ तभी मैं राजस्थान गई थी तो जो साड़ियाँ थी पेटीकोट ब्लाउज थे और और भी चीज़ें ना बाहर पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इन सबको एक साथ में ही ना रख देती हूँ तो सभी के लिए मैंने ना ये अलग अलग ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाली यहाँ देखना जरूर पड़ता है कि किस ऑर्गेनाइज़र में मैंने क्या चीज़ें रखी हुई है और हाँ मुझे किसी ने पूछा था कि श्रद्धा ये तुम्हारी अलमीरा बहुत ही अच्छी है कहाँ से परचेज़ करी है तो जो मेरे देखो नए नए जो सब्सक्राइबर जुड़ते हैं ना उन्हें नहीं पता रहता बाकी दिवाली के टाइम पे तो मैंने अपनी इस अलमीरा को हमने कहाँ से बनवाया है क्या करा है और किस तरीके से इसको मैं क्लीन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं और बाकी ये जो अलमीरा है वो मैंने कहीं से परचेज़ नहीं करी है ये घर का पूरा ही जब हमने रिनो, रिनोवेशन का सॉरी पूरे घर का काम करवाया था तो ये अलमीरा हमने यहाँ घर पर ही बनवाई थी और यहीं पर फिक्स करवाई थी कहीं से परचेज़ नहीं करी है और हाँ कल मैं शाम को मार्केट गई थी तो ये मेरे पास में साड़ी पड़ी हुई है काफ़ी टाइम पहले की साड़ी है और एक सिंगल मात्र मेरे पास में ब्लैक कलर की साड़ी बाकी मेरे पास में एक भी ब्लैक साड़ी नहीं है तो ये साड़ी के साथ में ना ब्लैक कलर का ब्लाउज आया था तो ब्लैक साड़ी ब्लैक ब्लाउज मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं ये रेडीमेड ब्लाउज लेकर आई इतना प्यारा मुझे ब्लाउज मिला और वो भी कम रेंज में खाली टू हंड्रेड में मुझे ये ब्लाउज मिला था और इतना प्यारा इसके ऊपर सिक्वेंस का वर्क किया हुआ है तो कलर भी रेड है और इसके ऊपर जो सिकवेंस जो है ना तो थ्रेड बीच में थ्रेड ग्रीन कलर का थ्रेड भी है रेड भी है येलो भी है तो दो तीन साड़ी के ऊपर है ना ये ब्लाउज अच्छे से मैच हो जाएगा और ये एक वाइट कलर का ये भी एक कॉमन ब्लाउज मैंने स्टिच करवाया था अभी नहीं काफ़ी टाइम पहले करवाया था तो अभी मैं आ, अरेंज कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ तो ये वाला ब्लाउज जो है वो मैंने इस साड़ी के ऊपर आ, ये करवाया स्टिच करवाया है तो ये साड़ी मैंने ना राखी पर पहनी थी आप लोगों ने देखा होगा राखी वाला ब्लॉग तो सॉरी कौन से कलर की साड़ी है बैंगनी कलर की साड़ी है और कॉन्ट्रास्ट में मैंने वाइट कलर का ब्लाउज सिल्वर सिक्वेंस का तो बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है तो यहाँ पर पेटीकोट जो है पेटीकोट को पेटीकोट वाले ऑर्गेनाइजर के अंदर रख दूंगी ब्लाउज़ को ब्लाउज़ वाले ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी और साड़ियाँ जो है वो प्रिंटेड साड़ियों के लिए मैंने अलग से ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है तो उसके अंदर रखूंगी और जो फॉर्मल साड़ी वगैरह होती है तो उसके लिए मैंने अलग ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है तो सबको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करूँगी और फिर उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में और आज मेरी हाउस हेल्पर भी आने वाली नहीं है तो आज मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ काम करना है तो ढेर सारे काम हैं तो काम तो मेरे चलते रहेंगे लेकिन इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दो ढेर सारे कॉमेंट्स कर दो और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे जल्दी से थर्टी के कम्प्लीट करा दो मैं कब से बोल रही हूँ पता नहीं लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है और मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग बस जल्दी से मेरे थर्टी के फिफ्टी के करवा देंगे तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में टेल दिन बाय बाय टेक केयर